हमारा ग्रह, जिसे हम यहाँ पाए जाने वाले ढेर सारे पानी की वजह से नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। और जब भी हम किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज करने निकलते हैं, तो एक चीज जो हमारे वैज्ञानिक सबसे पहले देखते हैं वो है पानी। पानी किसी भी जीव के सर्वाइवल के लिए एक बेसिक चीज है। यही वजह है कि हम इंसान भी अपनी जिंदगी के लिए पानी पर निर्भर हैं। आप इंटरनेट पर आसानी से कम पानी पीने की वजह से होने वाले बुरे प्रभावों पर लेख और वीडियो पा सकते हैं। कभी कभी, खासतौर पर गर्मियों में, निर्जलीकरण की वजह से हमें ज्यादा प्यास लगती है। इसलिए माँ बाप को लगता है कि उन्हें उनके नवजात बच्चों को भी पानी देना चाहिए। हालांकि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बड़ों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन नवजात बच्चों के लिए ये जानलेवा हो सकता है। तो नवजात बच्चों को पानी देना जानलेवा कैसे हो सकता है? और आपको अपने 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को केवल माँ का दूध ही क्यों देना चाहिए? आज हम इन बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि नवजात बच्चों के लिए माँ का दूध सबसे ज्यादा पोषण देने वाली चीज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये रेकमेंड करता है कि 6 महीने तक के बच्चों को केवल माँ का दूध ही दिया जाए। ये उन्हें ना केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा देता है, बल्कि ये उनके जरूरी विटामिन, मिनरल, पाचक एंजाइम और हार्मोन की पूर्ति भी करता है। नवजात बच्चों में इम्यून सिस्टम विकसित नहीं हुआ होता, इसलिए रोगों और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट बच्चों को माँ के दूध से ही मिलते हैं। इन सब वजहों से माँ का दूध बाजार में मौजूद किसी भी मिल्क या बेबी फॉर्मूले से अच्छा होता है। चलिए बढ़ते हैं इस बात की तरफ कि नवजात बच्चों के लिए पानी किस तरह हानिकारक होता है। देखिए, हर किसी के किडनी की पानी को हैंडल करने की एक क्षमता होती है, और जब हम इस लेवल से ज्यादा पानी पी लेते हैं तो ये ज्यादा पानी हमारे खून में चला जाता है, और वो खून में मौजूद सॉल्ट या सोडियम के कंसंट्रेशन को कम कर देता है। और जब ये सोडियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो आपको हाइपोनाइट्रीमिया हो सकता है। इसमें आपके शरीर की कोशिकाएं खून में सोडियम के नॉर्मल लेवल को बनाए रखने के लिए ज्यादा मात्रा में पानी सोख लेती हैं और फूल जाती हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन, उल्टियां और मांसपेशियों में ऐठन होने लगती है। अगर आप इसके बाद भी पानी पीते रहते हैं तो आपके दिमाग की कोशिकाएं भी फूलने लगती हैं और आपकी खोपड़ी के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है, जिससे दौरे पड़ना, ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस के साथ ही साथ कुछ बहुत संगीन मामलों में मौत भी हो सकती है। लेकिन वयस्कों के लिए ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक वयस्क को उस लेवल तक पहुंचने के लिए हर कुछ घंटों में 2.5 से 5 गैलन तक पानी पीना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल काम है। लेकिन जब बात आती है नवजात बच्चों की, तो उनके लिए कहानी काफी अलग है। एक वयस्क के शरीर में जहाँ 55 से 60% तक पानी होता है, वहीं एक नवजात का शरीर लगभग 75% तक पानी होता है। औरतों और उनकी किडनी, जो वयस्कों के किडनी की आधी आकार की होती है, अभी भी डेवलप हो रही होती है, जिससे उनके लिए पानी को रोके रखना असंभव होता है। इसलिए थोड़ा सा भी पानी उनके खून में सोडियम के कंसंट्रेशन को कम और उनके शरीर में पानी की मात्रा को 7 से 8% तक बढ़ा देता है। इस तरह वो हाइपोनाइट्रीमिया की स्थिति में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, जो कि उनके लिए जानलेवा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको केवल ग्लास के पानी से खतरा है। अगर देखा जाए तो वाटर इंटॉक्सिकेशन की ज्यादातर घटनाओं में तो पानी ग्लास से आता ही नहीं है। जब लोग बच्चों के लिए मिल्क फॉर्मूला बनाते हैं तो वो गलती से उसमें ज्यादा पानी डाल देते हैं, या फिर बच्चे को स्विमिंग पूल या बाथटब में नहलाते समय वो जब बच्चों को ऊपर नीचे करते हैं तो बच्चा पानी घटक लेता है। ये बच्चों में वाटर इंटॉक्सिकेशन के ज्यादा बड़े कारण हैं, और इन मामलों में ये जरूरी हो जाता है कि बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। लेकिन जितना हो सके इस कंडीशन को अवॉइड करें और नवजात बच्चे को 6 महीने की उम्र से पहले पानी बिल्कुल भी ना दें। लगभग इस उम्र के आसपास ही बच्चों में दूध के दांत आने लगते हैं। इनके बारे में जानने के लिए ये वीडियो देखना ना भूलें, और इस तरह के विज्ञान से भरपूर वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।